नमस्कार दोस्तों हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है मेरा नाम है विनीत सागर आज हम समझेंगे व्हाट आर द एंटिक रूल्स इन इंडिया एंटिक माने पुरा वस्तु जो 100 200 500 1000 हजार साल पुराने जो चीज़ें होते हैं जिसका एंटिक वैल्यू है इन्हें हम एंटिक प्रोडक्ट्स बोलते हैं ये टॉपिक मैं इसलिए लेके आया हूं रिसेंटली केरला में एक फेक एंटिक डीलर पकड़ा गया था बहुत बड़ा न्यूज़ था ये ये बंदे का नाम है मोनसन मावोंगल ये क्या करता था लोकल मार्केट से छोटी मोटी चीज़ें खरीद कर इसको एंटिक प्रोडक्ट बोलकर बेचता था और इनकी जो बेवकूफ़ बनाने वाले लिस्ट में बड़े बड़े पर्सनालिटीज थे जैसे फिल्म स्टार्स आईपीएस ऑफिसर्स आईएएस ऑफिसर्स मिनिस्टर्स सेलिब्रिटीज एक्सेट्रा एक्सेट्रा और इन्होंने मिलियंस ऑफ रुपीज भी कमाया इसे इनका जो लक्जूरियस लाइफ म्यूजियम्स लक्जूरियस कार्स ये सब दे के लोगों को डाउट आने लग गया फिर जैसे इन्वेस्टिगेशन हुआ ये पता चला ये एक नंबर का फ्रॉड है और इन्होंने काफी बड़े बड़े लोगों को बेवकूफ भी बनाया था तो सर पार्ट हम इस वीडियो में एंटीक रूल्स के बारे में देखेंगे दोस्तों एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव में दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट तो आगे जाने से पहले लेक्चर पर लाइक का बटन चैनल को अब तक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा हमें सपोर्ट करने के लिए आप चैनल के मेंबर बन सकते हो ज्वाइन बटन के थ्रू आप दोस्तों इतना बता दिया तो ये मॉनसन माउंगल के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं वैसे जान के कोई फायदा तो नहीं है एक नंबर का फ्रॉड है फिर भी ये कैसे बड़े बड़े लोगों को बेवकूफ़ बनाया ये तो आश्चर्य की बात है देखिए फिफ्टी फोर ईयर ओल्ड मैन इज इसे कॉस्मेटोलॉजिस्ट एक्टर फिलानथ्रोपिस्ट एजुकेशनिस्ट मोटिवेशनल स्पीकर एंटिकटी डीलर एंड मच मोर ये क्या नहीं था ये पूछो पर बाद में ये पता चला जब ये पकड़ा गया ही इज़ नॉट इवन ए स्कूल ग्रेजुएट फ्राम ए स्मॉल टाउन इन द आलापुरा डिस्ट्रिक्ट केम फ्रॉम ए हम्बल फैमिली ये कुछ नहीं था ये एक नंबर का फ्रॉड था पर यह एक चीज जानता था लोगों को कैसे बेवकूफ़ बनाना है द मैन हू क्लेम टू हैव सोल्ड एंडिक्विटीज टू द सुल्तान ऑफ ब्रूने एंड रोयल फैमिलीज इन द मिडल ईस्ट डी डी इवन हैव ए पासपोर्ट इसने अपना एंटी चीजें इवन ब्रूने का सुल्तान तक बेच दिया रॉयल फैमिलीज को बेच दिया एंड इसके पास एक पासपोर्ट तक नहीं था तो आप सोच सकते हो ना इंडिया में क्या क्या हो सकता है तो ये सब छोड़िए दोस्तों हम अपने काम की बात करते हैं उससे पहले आप कुछ फोटोज देखिए दोस्तों इन्होंने किस किस के साथ अपना डीलिंग्स किया है उसका घर देखिए पुराने पैलेस जैसा लग रहा है इन्होंने लोगों को बेवकूफ बना के बहुत पैसे कमाया है अब ये जो दिख रहा है ना ये एक्स डीजीपी है केरला का लोकनाथ बेहरा आईपीएस ये इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है और ये है इसके अलावा कई सारे फोटोज में तो डाला नहीं हूं बस आप यही समझिए इनके लिस्ट में बड़े बड़े लोग बहुत थे आप इनके कुछ एंटीक्विटीज का लिस्ट देखिए एक चीज आपको समझना होगा ये सारे फेक है मतलब आपको दिखेगा ये एकदम प्रोडक्ट जैसा पर ये सब इसने लोकल मार्केट से बनवाया था पर लगने से ये लगेगा कि हजारों साल पांच हजारों साल पुराना है और बड़े बड़े पैसों में ये बेचता भी था ये अब दोस्तों काम की बात करते हैं व्हाट आर द एंटीक्विटीज एंड आर्ट ट्रशेस

और एनी ऑब्जेक्ट और आर्टिकल टेकन फ्रॉम ए बिल्डिंग और ए केव कोई भी गुफा से अगर कोई आइटम मिल गया और वो भी अगर सौ साल पुराना है तो वो भी एंटीक्विटी बन जाएगा और एनीथिंग दैट इलस्ट्रेट द साइंस आर्ट क्राफ्ट और कस्टम्स और रिलीजन और लिटरेचर ऑफ ए बाइगन एज और एनीथिंग ऑफ हिस्टोरिकल इंटरेस्ट तो ये सारी चीज़ें एंटीक्विटीज में कवर हो जाता है आप देखिए इफ इट इस मेन्यूस्क्रिप्ट मैन्यूस्क्रिप्ट मतलब हाथ से लिखा हुआ या फिर कोई साइंटिफिक रिकॉर्ड है या फिर कोई हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है लिटररी रिकॉर्ड है तो इट शुड बी एटलीस्ट सेवेंटी फिव ईय ऑल्ड ये फर्क आप समझिएगा इन सारे प्रोडक्ट्स हंड्रेड इस ओल्ड होनी चाहिए अगर कोई मेन्यू है हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है साइंटिफिक रिकॉर्ड है लिटररी रिकॉर्ड है तो सेवेंटी फाइव इन ओल्ड होनी चाहिए तब कैटेगरी में आ जाएगा अब आर्ट मतलब क्या आर्ट ट्रेशर इज ह्यूमन वर्क ऑफ आर्ट अदर देन एन एंटीक्विटी डिक्लेयर टू बी ए बाय द सेंटर बिकॉज ऑफ इट्स आर्टिस्टिक वैल्यू आफ्टर द आर्टिस्ट पुराने आर्टिस्ट अगर कोई आर्ट फॉर्म क्रिएट किया है ठीक है

सेक्शन 14 क्लॉज 3 ऑफ द एक्ट मेक इट्स मैंडेटरी फॉर एवरी पर्सन और इज इन प्रोसेस ऑफ एनी एंटीक्विटी टू रजिस्टर इट एक रजिस्टरिंग ऑफिसर के पास जाके आपको रजिस्टर करना पड़ेगा और एक सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा तब जाके आप प्रोसेस कर सकते हो उस एंटी प्रोडक्ट को अगर आपने रजिस्टर नहीं किया और आप उसको प्रोसेस कर रहे हो इट इज ए पनिशेबल ऑफेंस आपको छह महीने तक का जेल टाइम मिल सकता है और विथ फाइन और बोथ बी से इट्स द एंडक्विटी विल बी कॉन्फिस्टेटेड ये एंटीक्टीज जो है अगर आपने रजिस्टर बिना रजिस्टर करके आपके पास रखा तो सेंट्रल एजेंसी जो है उसको कॉन्फिस्केट कर सकते हैं अपने पास रख सकते हैं कैन एंटीक्टीज भी सोल्व और एक्सपोर्टेड एंटीक्टीज कैन बी सोल्व बट ओनली बाई अ लाइसेंस पर्सन इस तरह की लाइसेंस जिसके पास है वो एंटीक्विटी बेच भी सकता है पर सेक्शन थ्री ऑफ द एक्ट प्रोबिट्स एक्सपोर्ट ऑफ एन एंटीक्विटी आप बाहर बेच नहीं सकते इंडिया के बाहर कोई भी एंटीक्विटी को आप बेच नहीं सकते बेच वही सकता है या तो सेंटर या सेंटर का एजेंसीज जो है वायलेशन ऑफ दिस सेक्शन इज पनिशेबल विथ इन फॉर एटलीस्ट सिक्स मंथ्स बट द पनिशमेंट कुड गो अप टू थ्री इयर्स विथ फाइन ठीक है छह महीना मिनिमम मिलेगा मैक्सिमम आपको तीन साल तक की सजा मिल सकता है अगर आप एंटीक्विटी को बाहर एक्सपोर्ट कर दिया तो अब दोस्तों आप ये सोच रहे होंगे ये रजिस्ट्रेशन कहाँ करना होता है अगर आपके पास कोई एंडिक्यूटी है पुरावस्तु है तो कहाँ जाकर रजिस्टर करना है रजिस्टर करना होता है दोस्तों आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पास हमारे देश में जितने कल्चरल मोन्यूमेंट्स हैं कोई पुराने बिल्डिंग्स हैं जो नेशनल इंपॉर्टेंस का उन सबका कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिस्पॉसिबिलिटी है तो इन्हीं के पास आपको रजिस्टर करना होता है एंड वाट हैपन्स वन एंडिक्यूटीज आर सीज बाय द अथॉरिटीज अगर आपके पास में से कोई एंटीक्विटी अथॉरिटीज ने सीज किया तो उसका क्या होगा सबसे पहले एक एक्सपर्ट कमिटी बैठेंगे वो ये वेरीफाई करेंगे वो जो एंटीक्विटी हमारे देश के कोई पुराने टेम्पल से चोरी किया होता नहीं है वो देखेंगे इसके बाद जितने भी रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स है सेल डॉक्यूमेंट्स है वो चेक करेंगे वही आप देखिए दोस्तों देर से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन टू प्रोटेक्ट द मोन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस वो है आर्टिकल 49 वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान दीजिएगा आर्टिकल 49 क्या कहता है इट शाल ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट एवरी मोन्यूमेंट और प्लेस और ऑब्जेक्ट ऑफ आर्टिस्टिक और हिस्टोरिकल इंटरेस्ट अगर Law के अंदर यह डिक्लेयर किया है कोई भी एक बिल्डिंग केव या कोई भी एक मोन्यूमेंट इट इज ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस इसको स्पोलिएशन से डिस्फिगमेंट से डिस्ट्रक्शन से रिमूवल से डिस्पोजल से और एक्सपोर्ट से बचाना है यह आर्टिकल 49 कहता है अब दोस्तों प्रोटेक्शन ऑफ एंटीक्विटीज के लिए गवर्नमेंट की तरफ से क्या क्या इनिशियटिव रहा है सबसे पहला यह दोस्तों आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक एक्सपर्ट एडवाइसरी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट किया है इसके लिए, के लिए टू इश्यू नॉन एंटीक्टी सर्टिफिकेट कहने का मतलब यह दोस्तों अगर आप इंडिया से बाहर जा रहे हो और आपको ऐसे कोई चीज लेके जाना है बाहर जो दिखता है एंटीक्टी जैसा पर हो सकता है वो दस साल या बीस साल पुराना होगा तब वो एंटीक्विटी है क्या नहीं बना तो तब आपको नॉन एंटीक्विटी सर्टिफिकेट्स इश्यू किया जाएगा एक्सपर्ट एडवाइजरी कमेटी द्वारा जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एस्टैब्लिश किया है क्लियर अगला है ऑल इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल एक्सिट पॉइंट्स फॉर सी एंड एयर ट्रांसपोर्टेशन में ऐसे ऑफिसेस अपॉइंटेड है मतलब जितने भी इंटरनेशनल एक्सिट पॉइंट्स है ना हमारे देश में चाहे वो एयरपोर्ट्स हो या कोई सी पोर्ट्स हो उधर ऐसे ऑफिस अपॉइंटेड है टू असिस्ट द कस्टम अथॉरिटीज कस्टम अथॉरिटीज को हेल्प करने के लिए असिस्ट करने के लिए टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एंटिक्स एंड नॉन एंटिक्स कोई भी एक प्रोडक्ट वो एंटिक है या नॉन एंटिक है ये डिस्टिंग्विश करने के लिए ऐसे ऑफिस हर इंटरनेशनल एक्सिट पॉइंट्स में अपॉइंटेड तीसरा है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने एक एंटिक सेल ओपन किया है फॉर इन्वेस्टिगेशन इन केसेस ऑफ थेफ्ट एंड लॉसेस ऑफ एंटिक्स एंटिक प्रोडक्ट अगर आपसे चोरी हो गया तो यह केस देखने के लिए सीबीआई की तरफ से एक अलग सा एंटिक सेल है तीसरा है नेशनल मिशन ऑन मोन्यूमेंट्स एंड एंटीक्टीज ये मिशन है दोस्तों वो क्या है इट एम्स टू प्रिपेयर ए नेशनल रजिस्टर ऑन एंटीक्विटीज बाय डॉक्यूमेंटिंग एंटीक्विटीज एक नेशनल रजिस्टर बना रखा है जिसमें हमारे देश में जितने एंटीक्विटीज है ना वो सारे रजिस्टर्ड है

कई सारे लोग हैं अब ये जो माउंगल जैसा कई सारे लोग हैं जो इलिगली स्मगल किया है या लेके गया है हमारे एंटी प्रोडक्ट्स को तो इस तरह की एंटी प्रोडक्ट्स अगर दुनिया में कहीं भी मिल गया उसके जो सोर्स जहां से वो बिलोंग करते उधर रिटर्न करने में ये काम करता है ये जो इंडिया प्राइड प्रोजेक्ट है अब दोस्तों फाइनली व्हाट आर द इंटरनेशनल मैसेज टू प्रोटेक्ट एंटीक्विटीज एक कन्वेंशन ऑन द मींस ऑफ प्रोहिबिटिंग एंड प्रिवेंटिंग द इलिसिट इंपोर्ट एक्सपोर्ट एंड ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप ऑफ कल्चरल प्रॉपर्टी ये 1970 में क्रिएट किया था यह प्रोवाइड दैट द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज वुड टेक स्टेप्स टू प्रिवेंट इलिसिट इंपोर्ट इनटू द टरीज ऑफ स्टॉल एंड कल्चरल प्रॉपर्टी देखिए इसमें जितने कंट्रीज ने साइन किया ना उनको यह इंश्योर करना है कोई भी एंटीक प्रोडक्ट्स दूसरे कंट्री से कोई अगर इलिगली लेके आ रहा है उसे रोकना है एंड जिस कंट्री से वो बिलोंग करते उन्हें रिटर्न करवाना है यह है कन्वेंशन ऑन द मीनस ऑफ प्रोहिबिटिंग एंड प्रिवेंटिंग द इलिसिट इंपोर्ट एक्सपोर्ट एंड ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप ऑफ कल्चरल प्रॉपर्टी दूसरा है यूनिड्रॉड कन्वेंशन ऑन स्टॉलन और इलीगली एक्सपोर्टेड कल्चरल ऑब्जेक्ट्स ये भी वही है दोस्तों थोड़ा सा डिफरेंस है इट डिफेंट नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कवर्ड एंड इंक्लूड्स प्रोविजन फॉर द रिस्टिट्यूशन Of वही है दोस्तों, चोरी रिटर्न करोडक्ट तो अगर इंटरनेशनल कोई एक्सपोर्ट करते हुए दूसरे कंट्री में जा रहे हैं तो वो कंट्री की रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि को पेरेंट कंट्री में वापस भेजना तो दोस्तों दैट एंड ऑफ इट आई होने को मिला होगा आप लोगों की वैल्युबल सजेशन एंड कमेंट्स आप मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है आप मुझे फॉलो कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहा है लेक्चर की पीडीएफ एस सुशल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा जिसका लिंक नीचे प्रोवाइडेड है थैंक यू फॉर वॉचिंग बाय बाय है